तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मम्मी जय भारत, ओके जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो अभी 8:15 हो चुके हैं, हम स्कूल के लिए तैयार हो गए, घर से बाहर आ गए, मतलब स्कूल थोड़ी देर में आने वाला है। तन्नू को प्यास लग गई, खांसी हो रही है तो पानी पी रही है। आजकल खुद को बैग पीठ पर टांगने का शौक लगा है तो मैं घर से ही लगा देती हूँ और हमेशा वही ले जाती है। तो देखो, हाय करो तन्नू, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? अच्छा कैसे गिरी है, कैसे गिरी? तो ये चल रही थी ना नशे में, जैसे वो तो गिर गई। बुढ़िया खांसी हो रही है, हाय बोलो। मैं स्कूल जा रही हूँ। चलो तो हम जाते हैं स्कूल, उसके बाद दिखाएंगे आपको, क्योंकि आजकल वैसे ही हो पा रहा है, 2 बजे तक तो फ्री नहीं होते हैं, 2:30 बजे तक, 3 बज जाते कभी कभी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे जाके, फिर बाद में मिलेंगे आपसे। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको छुट्टी के बाद। चलो बोलो हाय, हाय, आप भी आ रहा है, ऐसा करो। हेलो गाइस, हम बैठे हैं दुकान में। तन्नू है, ये पन्नू है, पन्नू है ना, नहीं तन्नू है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोल। हेलो गाइस, बोल, क्या चाहिए? ऐसा पिट्टी करूंगी ना, याद करोगे फिर। अरे तन्नू फट जाएगा वो। हाय, 3 बजे में घर आ गई और सारा काम करके चाय पी के उठ करके अब जा रहे हैं घूमने बच्चों को लेके सारा। तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में, बच्चों को ले जाते हैं आज पार्क में। तो दोस्तों हम पार्क में कुछ नहीं है, झूला बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इन लोगों के कपड़े ख़राब हो गए, देखो ये मिट्टी में खेल रही है, ये इसके पैंट को देखो पीछे से सारा ख़राब और मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो रही है। अब हम घर को जाते हैं, ये खेलने का मज़ा कुछ नहीं है, बच्चों के साथ धूल धूल हो रहा है। अब चलते हैं हम घर को इनको लेके, फिर मिट्टी का तन। तो दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं, घड़ी तो है ही नहीं, दीवार पे देखो बाहर लग गई है, तभी 10 बज चुके हैं। तन्नू अपना बिस्तर लगा रही है, बताओ। और मैंने आज चद्दर धोई थी सुबह सुबह, तो मैंने बिछाई नहीं है, तो मैं कल बिछाऊंगी इसको, आज नहीं, आज मैं ऐसे लेट जाती हूँ। और अब खाना खाया, घूमने के बाद खाना बनाया खाया, तन्नू का होमवर्क कराया, फिर बर्तन धोए, फिर 10 बज जाते हैं, फिर आप सोने की तैयारी हो रही है, मैं भी सो जाती हूँ। जुकाम की वजह से बहुत तेज बलगम जमा हुआ, खुजली जैसी हो रही फेफड़ों में, ऐसा लग रहा है। तो अब सो जाती हूँ और ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मैं प्रियंका परिहार मेहरा जल्द ही मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ओके जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।